हेलो, वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यह आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हैं और ऐसा कहा गया है कि 20 लॉग्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम. सबसे नीचे कितने लॉग्स हैं? 20. देन 19 लॉग्स ऑन टॉप ऑफ दैट. उसके ऊपर कितने लॉग्स हैं? 19. और फिर उसके ऊपर कितने लॉग्स हैं? 18. टोटल लॉग्स कितने हैं हमारे पास? 200 लॉग्स. टोटल 200 लकड़ियां हैं और उसे अरेंज इस तरीके से किया गया है कि सबसे नीचे वाले रो में 20 लॉग्स हैं, उसके बाद 19 लॉग्स हैं, उसके बाद 18 लॉग्स हैं, उसके बाद 17, उसके बाद 16. इस तरीके से लॉग्स अरेंज्ड हैं. अभी ये पूछा गया है कि कितने रोज हमें चाहिए इन ऑर्डर टू अरेंज हाउ मेनी लॉग्स. टोटल 200 लॉग्स को अरेंज कितने रोज में किया गया है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं 20 और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं -1. -1 क्यों? क्योंकि 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, तो डिफरेंस कितना है? -1. नेगेटिव डिफरेंस है ना. तो अभी यहां पर हमने क्या किया, ए ले लिया 20 और डिफरेंस ले लिया -1. अभी सम ऑफ टोटल लॉग्स इज इक्वल टू 200 एंड 200 विल बी इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a. 2a क्या होगा? 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी क्या है? -1. यहां से क्या आएगा? 400 इज इक्वल टू एन, 40 माइनस एन प्लस 1. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. क्या आएगा? 40n प्लस n माइनस n स्क्वायर. दैट कम्स आउट टू बी 41n माइनस n स्क्वायर एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 400. इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर तैयार हो रहा है. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. क्या होगा? एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0. यहां से मैंने n कॉमन ले लिया, n माइनस 16, और इधर भी n माइनस 16, और इधर मैंने कॉमन ले लिया माइनस 25 इक्वल टू 0. फाइनली हमें मिल गया n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25. तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज अगर हम लें तो वो क्या होगा, n इक्वल टू 16. तो 16 रोज को अगर हमने अरेंज किया, 16 रोज, ये पहला रो है, फिर इसके बाद ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे करते करते कितने रोज की रिक्वायरमेंट है, 16 रोज की रिक्वायरमेंट हो सकती है कम से कम, तब जाकर हम 200 लॉग्स को अरेंज कर लेंगे. और 16 रो में हमें कितने लॉग्स को रखनी होगी, तो a प्लस 15d, a प्लस 15d इज द 16th टर्म, राइट. इसमें a क्या है, a इज 20 प्लस 15d क्या है, -1. तो 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 5. तो जो सबसे ऊपर वाला रो होगा, टॉप रो, उसमें कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स. और टोटल कितने रोज की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कम से कम 16 रोज की रिक्वायरमेंट है. आप ये सोच रहे होंगे कि 16 रो मैंने क्यों लिया, मैंने 25 रो क्यों नहीं लिया. एक्चुअली क्या होगा कि जब आप सबसे टॉप वाले रो में 5 लॉग्स को रखेंगे और सबसे बेसिक, सबसे नीचे वाले रो में आपने कितना रखा है, 20, तो यहां से यहां तक ऑलरेडी आपके 200 लॉग्स का अरेंजमेंट हो चुका है. लेकिन इसके बाद वो एक्स्ट्रा 9 रोज है ना, ये एक्स्ट्रा 9 रोज आपको कौन कौन से वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन. तो कभी लकड़ियां नेगेटिव में हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती. इसीलिए 16 के ऊपर वाले रोज को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 10,
और फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, फिर से क्या हो जाएगा माइनस टेन, तो टेन प्लस एंड माइनस टेन क्या होगा जीरो, तो अल्टीमेटली क्या होगा लॉग्स फिर भी कितने रहेंगे 200, लेकिन एक्चुअली हम अभी उसे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कम से कम आपको कितने रोज चाहिए 16 रोज चाहिए, उसके ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना लॉग्स की, तो लकड़ियां जो हैं उनका नंबर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम n इक्वल टू 25 ऑपरेट नहीं करेंगे, हम केवल क्या ऑपरेट करेंगे n इक्वल टू 16। तो हमें कम से कम कितने रोज की रिक्वायरमेंट है 16 रोज की रिक्वायरमेंट है, पहला क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि सबसे ऊपर वाले रो में कितनी लकड़ियां रखी होंगी, तो 16th रो में कितने एलिमेंट्स हैं मतलब कितने लॉग्स हैं, तो 16th टर्म निकालने का तरीका क्या है a प्लस 15d, तो a प्लस 15d की वैल्यू कितनी है 5, इसका मतलब ये कि 16th रो में कितनी लकड़ियां रखी होंगी 5 लकड़ियां रखी होंगी। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत ही मजेदार तरीके से कर लिया, और जिसका आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर है 16 और दूसरे वाले का आंसर है 5, वेरी इजी।